स्वागत है आप सभी का एमटीवी न्यूज इंडिया की एक नई वीडियो में। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा देश भर के मौसम का हाल। मानसूनी बादल अभी भी बन रहे आफत, इन राज्यों में गरज चमक के साथ होगी मूसलाधार बारिश। आपको बता दें, नई दिल्ली भारत के अधिकतर इलाकों में इन दिनों मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कहीं तापमान में गिरावट तो कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बारिश ने लोगों का जीना हराम कर दिया है, जिससे हर कोई परेशान है। पश्चिमी यूपी सहित उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर राज्य के कई इलाकों में सुबह सुबह बारिश दर्ज की गई, जिससे हर कोई काफ़ी परेशान रहा। वहीं दक्षिण प्रदेशों में भी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, जिससे हर कोई परेशान है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बिजली चमक और गरज के साथ तेज बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है, जिससे जगह जगह वृक्षपात से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। इन राज्यों में होगी बादलों की गरज के साथ बारिश। आईएमडी के मुताबिक बिहार और झारखंड के कई हिस्सों में बादलों की गरज के साथ तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है, जिससे लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आगामी दो दिन झमाझम बारिश होने की संभावना जताई गई है, जहां लोगों का जीना हराम हो जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार में अगले दो दिन तक तेज बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल में 27 सितंबर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी 25 सितंबर तक बिजली के साथ चमक के साथ बारिश होने का अंदेशा जताया गया है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की संभावना जाहिर की है। दक्षिण भारत में कई राज्यों की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी इंटीरियर, कर्नाटक और रायलसीमा में आगामी 24 घंटे भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों को लेकर कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में अगले दो दिन तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि मौजूदा समय में झारखंड के समीप एक साइक्लोन वेदर सिस्टम एक्टिव हो गया है, जिसके साथ मानसून द्रोणिका भी प्रदेश से होकर प्रवेश कर रही है। इस वजह से भिन्न भिन्न जगहों पर बनी इस मौसम प्रणाली के चलते प्रदेश के कई जिलों में मेघ गर्जनों के साथ बादल छाए रहने की अंदेशा जताया गया है। यही वजह है कि आसमानी बादलों का आगमन में थोड़े थोड़े अंतराल में जोरदार वर्षा करवा सकते हैं। आज यानी रविवार को भी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में छिटपुट स्थानों पर धुआंधार वर्षा होने की चेतावनी जारी कर दी गई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।